पावर स्टार पवन सिंह का गाना छठ का रिलीज हुआ, ये उनका दूसरा सॉन्ग है, आप सभी जानते हैं। लेकिन छठ का कोई गाना ट्रेंडिंग में गया है, ये इस साल की पहली खबर है। जी हाँ, पवन सिंह का ये पहला गाना है जो ट्रेंडिंग में गया है छठ का। पवन ही नहीं, भोजपुरी के जितने भी गाने अभी तक आए हैं छठ के, ट्रेंडिंग में ये पहला गाना गया है। और आपको ये बता दें कि ये गाना वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत दर्द भरा गीत है, और कहीं ना कहीं फैंस इसे पवन के रियल लाइफ से रिलेट होकर देख रहे हैं। और कमेंट अगर आप इस गाने में पढ़ेंगे तो आप खुद ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया पवन सिंह के फैंस ने पवन सिंह के लिए लिखा है, और आवाज़ के जादूगर तो पवन सिंह है ही। आपको ये बता दें कि पवन सिंह के जितने भी गाने आ रहे हैं इन दिनों, क्वालिटी वाइज अच्छे हैं। साथ ही साथ आपने इसमें एक और चीज़ देखी होगी, आस्था सिंह जो कि बहुत दिनों बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में कम बैक कर रही हैं, बहुत अच्छी लग रही है पवन सिंह के साथ। और साथ ही साथ पवन का ये गाना लोगों को इतना रास आ रहा है कि इस गाने को ट्रेंडिंग में ला दिया। जी हाँ, गाना वैसे पवन का जो पहला छठ गीत आया था सोनू निगम के साथ, लोगों को लगा कि वो ट्रेंडिंग में आएगा, जबकि इस गाने ने जो कि सोनू निगम के साथ था उसने एक हफ्ते में ही 15 मिलियन व्यूज़ का आंकड़ा क्रॉस किया है। लेकिन वो गाना ट्रेंडिंग में न आके दूसरा गाना ट्रेंडिंग में आया है पवन सिंह का, जो कि वाकई बहुत खूबसूरत है और आँख से आंसू आ ही जाते हैं इसे सुनते सुनते। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।